ਸ਼ਿਕਲ एवरीवन वेलकम टू द चैनल। ਹੋਰ ਜੀ ਕਿਦਾਂ ਸਾਰੇ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਆਲ। ਸਵੇਰ ਕੇ 10 ਵਜ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੇ ਦਿਨ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਮ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਬ ਗੁਲਮਰਗ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਯਹਾਂ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਗੋਂਡੋਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਪਵੇ ਕੇ ਥਰੂ ਆਪਕੋ ਮਾਊਂਟੇਨ ਟੌਪ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਜ ਹਮ ਗੋਂਡੋਲਾ ਪੇ ਜਾਏਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚਲਤੇ ਹੈਂ ਗੋਂਡੋਲਾ ਪਰ। ਹਮ ਸਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਹਟ ਮੇਂ, ਜੋ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਕੱਲ ਬਤਾਇਆ ਥਾ, ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੇ ਅੰਡਰ ਆਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਹ 1 BHK ਹਟ ਹੈ। ਔਰ ਯਹ हट के बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। पीछे स्नोई माउंटेंस आप देख सकते हो, और भी बहुत सारी हट्स हैं यहाँ पर। और आज के हमारे गाइड है जो हमारे साथ चलेंगे गोंडोला पर, और वहाँ भी साइट सीइंग के जो स्पॉट्स है वो ये हमें दिखाएंगे। का नाम है जी जहीर। अगर आप सब भी जब गुलमर्ग आओ तो ये आपको यहीं मिल जाएंगे गोंडोला के पास, तो आप भी इन्हें हायर कर सकते हो एज ए गाइड। बहुत अच्छे बंदे हैं, और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया कि आगे कौन से पॉइंट से घूमने वाले, तो वहाँ ये हमें ले जाएंगे आज। और गुलमर्ग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का जो लैंडस्केप है, जो यहाँ की ब्यूटी है, वो वहाँ से मिलती जुलती है, इसलिए इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। रविंद्र सिंह तुम रेडी हो? किथे जान ली? अच्छा जी, ठीक है, चलो फिर। जरूर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है गोंडोला में बैठने के लिए, क्योंकि उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। बस ये जो हमारे रूम्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये है हमारी हट, और वो नीचे जो आप सामने देख रहे हो, और ये जो चीज़ है, ये यहाँ से एक गोंडोला मिलती है, इसे हमने टिकट लेना है, और यहाँ से हमने गोंडोला में बैठना है, और ऐसे ऊपर माउंटेन टॉप पर गोंडोला हमें लेके जाएगी। तो हमारी हट से इतने पास में है गोंडोला। लेट्स गो। हाँ जी, ये आप देख सकते हो गुलमर्ग की ब्यूटी, कितना ज्यादा खूबसूरत है सब कुछ। और वो सामने है जहाँ से हम गोंडोला लेंगे, और ये जो हमारे गाइड हैं, ये हमारे लिए टिकट्स लेने गए हैं। और ये टाइमिंग्स है गोंडोला की, फर्स्ट फेज टाइमिंग है 9 to 5, और सेकंड फेज टाइमिंग है 10 AM to 4 PM। लेकिन इस वक्त ये बता रहे कि सिर्फ फर्स्ट फेज़ ही चालू है, सेकंड फेज़ बंद है। और विंटर टाइमिंग्स आप देख सकते हो, टिकट की कॉस्ट है वो ये है, फेज़ वन तक पर पर्सन 740, और फेज़ टू तक 740 + 950। लेकिन फिलहाल फेज़ टू बंद है, तो हम सिर्फ फेज़ वन लेंगे। तो ये पर पर्सन टिकट है, 3 साल के ऊपर एज वाले बच्चों को भी फुल टिकट लगेगी। जी टिकट चालू है अभी, सेकंड फेज 2 महीना से बंद है सर। अच्छा जी, आपको 10,500 फीट पर लेकर जाएगा आपको। आ गया। तो ये हमने वहाँ से टिकट ले लिया, यहाँ से गोंडोला बोर्ड करनी हमने, और ये एंट्री पॉइंट है और वो एग्जिट पॉइंट है। चलो फिर। स्नो ग्लासेस है? यस। स्नेल। और वो सामने है हमारी हट, जो मैं आपको दिखा रहा था, वो सामने स्नो वाले। आंटी क्योंकि जंगल और बदला तो भी, और नाले स्नो तो भी। ठीक है। जोर जोर गोंडोला आ गई।
तो हम भाई इस गोंडोला में बैठेंगे। यार तो स्नो वाले सनग्लासेस है यार, मेनू दे दो यार, इतना पतला ही है, पतियाली से देख। ठीक है, सरोवर का वन बाय वन गोंडोला आ रही है, उससे लोग की बैठ रहे हैं, फिर वो आगे जा रही है। हां जी, देखो इधर है गोंडोला। यस, बैठिए बैठ, चलते बैठना है। ये गोंडोला माउंटेन पे जा रहे हैं। वो निकल रहे, अपन भी फास्ट हो जाएंगे जल्दी, तो अभी जाएंगे ना। अपने डोर वन बंद हो गया ना, अपने डोर बंद हो गया ना, हार ही लेंगे। ये देखो फास्ट हो गए, फास्ट हो गए, ओके ओके, देखिए फास्ट हो गए भाई। साहब है हमारे जहीर, इनका फोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जब भी आप गुलमर्ग आओ इनसे जरूर कांटेक्ट कर लेना, ये बहुत अच्छी तरह से आपको गाइड करेंगे, अच्छी तरह घुमाएंगे। टिकट्स लेके देने से तो साइट सीइंग तक सब कुछ, पूरा दिन आपके साथ रहेंगे। बार्गेनिंग करवाते हैं, बार्गेनिंग भी करवाते हैं, अगर आपको शॉपिंग ले करनी है या हॉर्स राइडिंग करनी है, बहुत कुछ, बहुत सारी एक्टिविटीज है यहाँ पर, तो ये पूरी तरह से हेल्प करेंगे। हाँ जी अंकल, मेरे दादा ना छोटे भी कर दे जी। एक बार अपना चेहरा भी दिखा दो, मास्क थोड़ा सा नीचे करके, हाँ, कि आपको पहचानने में आसानी। ठीक है, मजा आ रहा है गोंडोला वाले, दसो पहले। हाँ जी, की लग रहा है गोंडोला च बैठ के? अब्बा जा रहे हैं माउंटेन पे। हाँ जी, माउंटेन पे जा रहे हैं अपा, ता और पीछे का व्यू भी देखो कितनी ऊपर आ गए अपा, कितनी दूर रह गए गोंडोला स्टेशन ता। ओके जी, हम लोग यहाँ लास्ट टाइम 2012 में आए थे, तब गोंडोला का शेप भी डिफरेंट था और थोड़ी बड़ी साइज में गोंडोला थी। अब गोंडोला जो है ये थोड़ी छोटे साइज की है, उसका शेप और कलर भी डिफरेंट है, पर जो भी है एक्सपीरियंस वही है, मजा वही है। और ये जो नीचे घर दिख रहे हैं ना आपको, ट्रेडिशनल पुराने टाइप के घर, ये शेपर्ड्स के घर हैं। यहाँ के लोकल्स हैं, पुराने शेपर्ड्स हैं, वो कई सालों से यही बसे हुए हैं, और आप देख सकते हो कैसे ट्रेडिशनल तरीके से इनका घर बना हुआ है, वुड का बना हुआ है, और ऊपर से मिट्टी भी है, ऊपर ग्रास भी उगाई हुई है। इससे गर्मी होती है, गर्मी रहती है घर में? हाँ, विंटर में गर्मी रहती है ना सर, ये मिट्टी मिट्टी पॉलिथीन डालने से, क्योंकि आग जलाते हैं। हाँ, बस अब जा रही है, गर्म रहता है। दादा आपने होटल में देखा सर, पूरे में लकड़ी रहती है, ये पाइन ट्री की लकड़ी रहती है, उसे गर्मी रहती है। ओके, आर्ट्स को होटल को गर्मी रहती है। गंडोले दे सेफ्टी रूल्स तो नहीं, अलाउड नहीं है खोलना, बाहर कुछ भी नहीं सुटना। देखो कितने सोने हाउस है शेपर्ड्स दे, ऊपर दिखाई दे रहा है ना, वो फर्स्ट फेज का स्टेशन है, 10 मिनट्स में आप पहुंच जाते हो फर्स्ट फेज तक। मजबूत ही सीट है। हाँ जी, अपना स्टेशन आ गया गोंडोला स्टेशन, फर्स्ट फेज वाला ये है जी, गोंडोला का फर्स्ट फेज वाला स्टेशन। हम पहुंच गए गोंडोला के फेज वन के स्टेशन पर। दूर देख सकते हो
ये गोंडोला का जो सेकंड फेज़ है वहाँ ऊपर टॉपर है, तो अभी तो ये सेकंड फेज़ बंद है, लेकिन जब चालू होता है सेकंड फेज़ तो यहीं से आपको गोंडोला में बैठकर सेकंड फेज़ तक जाना होता है। और वो माउंटेन टॉपर है गोंडोला का सेकंड फेज़ जहाँ स्कीइंग होती है, तो फ़िलहाल बंद है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम हम आएंगे वहाँ भी जाएंगे ज़रूर। स्नो दा फ्रेश पानी मेल्ट होके आ रहा है ना, कितना ठंडा होना है, बस आप ही गंद पाया है। लोकां देख लो इधर भी कितना गंद पाया हुआ है, डस्टबिन है, सब कुछ है, फिर भी इतना प्लास्टिक फेंका हुआ है। और देख लो इतनी खूबसूरत जगह पर भी लोगों ने कचरा फेंका हुआ है, प्लास्टिक फेंका हुआ है, बॉटल्स फेंकी हुई है, हर जगह पर थोड़ी थोड़ी दूर पर डस्टबिन बने हुए हैं, लेकिन फिर भी कचरा फेंका हुआ है लोगों ने। इतनी खूबसूरत जगह पर भी आगे कदम नहीं करते हैं हम लोग, तो ये गलत बात है ना। तभी हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि बस हम कचरा ना फेंके। जरा हॉर्स आ गया साडा, जोरावर भाई, जोरावर सिंह दी फर्स्ट टाइम हॉर्स राइड है, जोरावर फर्स्ट टाइम हॉर्स राइडिंग कर रहा है गुलमर्ग आके। वेरी गुड, जोरावर सिंह बहुत खुश है फर्स्ट टाइम हॉर्स राइडिंग करके, और कह रहा है कि मैं बिल्कुल गुरु गोबिंद सिंह जी जैसे हॉर्स राइडिंग कर रहा हूँ। स्प्रिंग है इसको बोलते हैं, सात जगह से जमीन के अंदर से पानी निकलता है, विंटर टाइम में जितना माइनस रहेगा उतना नेचुरली ये गर्म रहता है। अच्छा, जमीन में से पानी निकलता है, नवंबर दिसंबर में -10 -15 रहता है, तो ये एकदम नेचुरली गर्म रहता है, आजकल बिल्कुल ठंडा है। अच्छा, विंटर में गर्म गर्मी में ठंडा, हॉट स्प्रिंग। जोरावर से कल्ले हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, वेरी गुड। और ये यहाँ पर थोड़ा सा रेस्टोरेंट एरिया है, ढाबा एरिया है, कुछ खाना पीना हो तो यहाँ खा सकते हो, जैसे परौंठे, मैगी शैगी, कॉफी, चाय। हाँ जी, वापसी ते मैगी कॉफी, सारा ढाबा एरिया है यहाँ, चाहे मैगी खाओ, आलू परौंठे खाओ, चाय कॉफी पियो, फिर हम घूम के आते हैं फिर खाएंगे। सो तो सही, थोड़ा मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ जी आ रहा है। गुरु गोबिंद सिंह जी जा रहे थे, फिर ना उन्होंने रास्ता भूल गए थे, उन्होंने ना पिंड जाना थी, तो उन्होंने ना अंकल को पूछा। अच्छा, हाँ जी अंकल ने, अच्छा वो गुरुद्वारा साहब का नाम की है पट्ठा साहब, आप गए सी ना? हाँ जी, फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने ना गुरु गोबिंद सिंह जी के हॉर्स ने पैर रखे, तो पूरा पट्ठा ना ठंडा हो गया। यस, वेरी नाइस, वेरी गुड। जोरन तो सब कुछ पता है, स्टोरीज साखियां बाबा जी दी, कितना बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ठंड भी है, आप देख सकते हो मैंने फुल स्लीव टी शर्ट भी पहनी है, ऊपर से जैकेट भी पहन लिया, तो ठंड तो है क्योंकि ऊपर सारी स्नो है, तो ठंड काफ़ी है। मुझे बोल रहा है कि डेरा कैमरे में बताओ कि मैं हॉर्स राइडिंग कर रहा हूँ, तो देख लो जी जोरावर सिंह हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, क्योंकि जोरावर बिग बॉय हो गया इसलिए अपने आप हॉर्स राइडिंग कर रहा है। देख सकते हो कितनी ज़्यादा खूबसूरत वैली है ये, और वो गोंडोला स्टेशन फेज़ वन का जहाँ से हम आए हैं, और ये वैली बनी हुई है, तो इस वैली का चक्कर लगाएंगे। और ऊपर माउंटेन टॉप पर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्नो, हमारे इंडिया में इतना कुछ है देखने के लिए, है ना, हर टाइप की ब्यूटी, हर टाइप की सीनरी, हर टाइप की लोकेशन हमारे इंडिया में है,
तो बस जब भी टाइम मिले हमें निकल के एक्सप्लोर करना चाहिए, घूमना चाहिए। हिमाचल ले लो, कश्मीर ले लो, फुल ऑफ स्नो एंड माउंटेंस, और राजस्थान ले लो, डेजर्ट एरिया है सारा, रेगिस्तान है। गोवा साइड चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, बीचेस मिलेंगे। साउथ चले जाओ, साउथ की अपनी ब्यूटी है। नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, वहाँ की अपनी ब्यूटी है। मतलब इंडिया में इतनी ज़्यादा जगह हैं घूमने के लिए, बस ये है कि टाइम निकाल के हमें एक्सप्लोर करने जाना चाहिए। आप भी देख लीजिए कितनी सुंदर जगह है, कितनी फ्रेश एयर है यहाँ की, एकदम ताज़ी आबो हवा। जब आप ऐसी सराउंडिंग में आओ ना, तो आप सच में आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करने लग जाते हो, बहुत ज़्यादा आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाता है, और आप एक तरह से रिफ्रेश होके जाते हो यहाँ से। क्योंकि जो हमारी लाइफ है बहुत ज़्यादा बिजी, हर कोई काम काज में बिजी है, तो सबके लिए एक ब्रेक तो ज़रूरी है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब भी टाइम मिले घूमने निकल जाना चाहिए, जहाँ भी आप जाना चाहो, ज़रूरी नहीं यहीं आना है, बट एक हमारी बिजी लाइफस्टाइल में से टाइम निकाल के एक ब्रेक तो हर एक के लिए ज़रूरी बनता ही है। बहुत ब्यूटीफुल जगह है। तो माउंटेन तो चढ़ रहे हो, वाह जी वाह, कितनी ब्यूटीफुल वैली है जोरा भाई। सांस चढ़ गया ऊपर चढ़ के आके भाई। कैमरे में आपको पता ही नहीं लग रहा होगा, पर बहुत ज्यादा चढ़ाई है, सांस चढ़ गई ऊपर आके, पर नजारा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भाई। ऊपर चढ़ते चढ़ते हवा निकल गई, हवा टाइट हो गई, तो बुरा हाल हो गया, बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी, सांस फूलने लगी है, पर कोई नहीं, व्यू देख के सब कुछ भूल गया हूँ मैं। पर इस व्यू के सामने थोड़ी सी थकान कोई मायने नहीं रखती। और वो जोरावर सिंह दूर मज़े कर रहा है अपनी हॉर्स राइडिंग के, और ये जोरा का फर्स्ट टाइम एवर ये हॉर्स राइडिंग कर रहा है, वो भी कश्मीर के गुलमर्ग में आके। सो इज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। हाँ जी जोरा, मजा आ रहा है? हाँ जी, तुसी मजा आ रहा थानू? ओके। और ये तो पीछे ही रह गए हैं क्योंकि चढ़ाई बहुत ज्यादा है, मुझे लगता बहुत ज्यादा थक गए। मैं कह थकान तो बहुत हो गई है, लेकिन इस व्यू के सामने कोई मायने नहीं रखती थकान भी, दो मिनट में ठीक हो जाएगी। हाँ जी, कितना तो लगे व्यू? बहुत, एकदम अल्टीमेट व्यू। थोड़ा वॉक करके सांस तो फूल गई, वही ना करना, करना। वो दूर श्रीनगर दिख रहा है क्या? बारामूला है नीचे। इसको बोलते हैं, इसके पीछे एक लेक है जिसको फ्रोजन लेक के बोलते हैं। वहाँ से एक डेढ़ घंटा लगता है सेकंड फेज या अपर रोड से और लेक देखने। अच्छा, और ये पानी आ रहा है, पाइप्स आ रहे हैं पानी के? ये जो पानी आ रहा है ये ऊपर लेक से आ रहा है, ये नीचे गांव में डिस्ट्रीब्यूट होता है ये पानी। अच्छा, जैसे टंगमर्ग है, बारामूला है, यही पानी जाता है लोगों को पीने के। अरे वाह। हाँ जी, जोरावर सिंह हॉर्स राइडिंग पर गया है, बोलता है डैडा मम्मा मैं बड़ा हो गया हूँ, अंकल मेरे साथ है ना, तो मैं हॉर्स राइडिंग करता हूँ, तुसी इधर ही बैठो। बाकी ज्यादा दूर नहीं जाना इन्हें, बस उधर तक ही जाना है जहाँ तक हमारी निगाह जा रही है। मुझे तो मेरा फेवरेट प्लेस मिल गया, पत्थर और साथ में पानी बह रहा है। ये ऊपर से आ रहा है पानी, स्नोवी माउंटेन से ना, बर्फ का पानी मेल्ट होके आ रहा है। भाई दिल करता है यहाँ आके रह जाओ, पर यहाँ ऊपर होटल्स हैं नहीं, नीचे ही होटल्स। दिल तो करता है ऐसी शांति वाली जगह में आके ना कई दिन रह के जाओ, सुकून में, कोई दुनिया की टेंशन नहीं, बस आप और नेचर।
दिल तो ये कर रहा है कि अपनी नीचे वाली हर्ट उठा के यहाँ ले आए और यहाँ कहीं प्लेस कर दे और उसमें रहे। बिल्कुल सही बात। दूर दूर तक कोई नहीं है और बस वादियाँ। आ जाओ इधर, इधर से आ जाओ। कितनी आएगा? ठीक है जी, आ जाओ इधर से आ जाओ। तुझे तो कॉबॉय लग रहे हो यार, तुझी राइडिंग करके आ गए इतनी दूरों, कर ले गए सी की गल्ला कीती अंकल नाल? पूरा राउंड लगा लिया, वापस जा रहे हैं। बहुत ज्यादा मजा आया वॉक करके। तुझे फर्स्ट आ गए, चलो फिर चलिए अगे। चलो ओ चलो चलाएंगे फिर। चलो जी भाई, वॉक करके तो काफी वर्कआउट हो गया, भूख लग गई है, तो हम भी वापस पहुंच गए हैं यहाँ पर। कुछ करते हैं ऑर्डर खाने के लिए और खाते हैं, लंच टाइम भी हो गया। थैंक यू माई फ्रेंड। अच्छा और कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। हाँ जी भैया, खाने में क्या क्या मिलेगा? खाने में सर यहाँ का स्पेशल कश्मीरी पुलाव और कश्मीरी दम आलू सर। वो दूर गए थे हम वॉक के लिए, हॉर्स राइड करने के लिए, और बैठने को तुम वहाँ भी बैठ सकते थे पर वहाँ रश बहुत है, वो फील्स ही नहीं आ रही थी, इसलिए यहाँ एकांत में अकेले में हम बैठे हैं और खाना ऑर्डर कर दिया हमने। अभी वाले से जब मैंने पूछा कि भाई खाने में क्या है, तो भाई कह रहा था कश्मीरी पुलाव है और कश्मीरी दम आलू है। तो मैंने कहा ठीक है, कश्मीरी पुलाव मैंने ऑर्डर कर दिया और कश्मीरी दम आलू भी ऑर्डर कर दिया, और जोरावर कह रहा था मैंने मैगी खानी है, तो एक मैगी भी ऑर्डर कर दी। जरा देखो स्नू भाई। जी आ गया हमारा खाना। क्या क्या आ गया? ये कश्मीरी दम आलू सर, आपकी मैगी भी आ रही है, ये कश्मीरी पुलाव है सर। तो आ गया हमारा कश्मीरी पुलाव विद फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स और ये कश्मीरी दम आलू। जोरावर कह रहे हैं हॉर्सी ग्रास नहीं खा रहा है, उसको पसंद नहीं आ रही है। सबसे पहले कश्मीरी पुलाव का टेस्ट देखते हैं। टू गुड, बहुत ज्यादा टेस्टी, बहुत ज्यादा फुल ऑफ फ्लेवर, थोड़ा स्पाइसी भी है, मजा आ गया। कि बहुत दिनों से जब से हम यहाँ आए ना, मैंने स्पाइसी फूड नहीं खाया था, तो पुलाव स्पाइसी है तो मजा आ गया। पुलाव बहुत ही फुल ऑफ फ्लेवर्स। अब ये दम आलू खा के बताते हैं आपको, स्पाइसी भी है, थोड़ा क्रीमी भी है, आलू सॉफ्ट है एकदम। दम आलू टेस्ट करके देखते हैं। बहुत ज्यादा स्वाद, कुछ डिफरेंट टेस्ट है, तो मसालों का टेस्ट भी कुछ डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक फ्लेवर और टेस्ट है, बहुत ज्यादा स्वाद, सच्ची कुछ डिफरेंट लग गया मुझे। फ्लेवरफुल और क्रीमी, क्रीमी भी है एट द सेम टाइम। आलू भी बहुत सॉफ्ट है। एक और बाइट देते हैं। हाँ जी, जो दम आलू है उस पे जो इन्होंने ऊपर से प्याज का तड़का लगाया ना, जिसमें प्याज की स्लाइसेस आ रही है, उसकी वजह से दम आलू और ज्यादा स्वाद लग रहे हैं। मजा आ गया, बहुत ज्यादा स्वाद है। बस मैगी भी ऑर्डर की हुई है, वो भी आने वाली 2 मिनट में। मजा भी आ रहा है इस लोकेशन में कश्मीरी फूड खा के, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, है ना? दम आलू कश्मीरी पुलाव के साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर। कश्मीरी पुलाव और कश्मीरी दम आलू दोनों अपनी जगह, बहुत ज्यादा स्वाद है। कश्मीरी पुलाव स्पाइसी भी है और फुल ऑफ फ्लेवर्स है, और जो कश्मीरी दम आलू है वो भी बहुत ज़्यादा स्वाद है, क्रीमी है और फ्लेवर्स उसके भी बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट और फ्लेवर है। सच्ची में पहली बार ही खाता है ये टेस्ट, अपने थल्ले नहीं ये टेस्ट मिलता।
सच में दम आलू का जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, वो बहुत ही डिफरेंट है और क्रीमी होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्वाद लग रहा है। ये जोरावर की मैगी आ गई जी, ये एक वेज मैगी आ गई हमारे लिए, क्योंकि पहाड़ों में और मैगी ना खाओ तो कैसे ना। कॉफ़ी और ये कश्मीरी कहवा मैंने अपने लिए मंगाया। ये जी कश्मीरी कहवा, टेस्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा स्वाद, केसर, दालचीनी, इलायची और शुगर, बहुत ज़्यादा स्वाद। ये मैगी, भाई मैगी तो कभी फेर हो ही नहीं सकती, फिर पहाड़ वाली मैगी बहुत ज़्यादा स्वाद। हॉर्स राइड होगी पूरी, चलो भाई चलिए। हाँ जी, तो ये जो एरिया है हमने घूम लिया है, अब वक्त है वापस गोंडोला से नीचे गुलमर्ग जाने का। हम अपन थल्ले जा रहे हैं, देखो ऊपर स्टेशन तो अपन निकल के वापस नीचे जा रहे हैं। देखो नीचे स्टेशन आ गया, गोंडोला स्टेशन, अपन बस पहुंचने वाले हैं 2 मिनट च, बस पहुंच गए अपन थले 2 मिनट च। यस दिख गई, हां जी दे दे, आ जाओ फिर, आ जाओ। लो जी हम वापस पहुंच गए नीचे। किटकैट की डेयरी मिल्क, जरा मजा आया? हां जी। आज की कुछ करके आए तुसी? जोरावर में बहुत मजा आया, सानू भी बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया हमने आज। तो गोंडोला में घूमकर सब कुछ एक्सप्लोर करके हम वापस अपनी हट पर आ गए हैं। बहुत मजा आया, आज का दिन बहुत बढ़िया रहा। जोरावर सिंह ने बहुत ज्यादा इंजॉय किया और हमने तो इंजॉय किया ही किया है। तो ठीक है, फिर आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख ली तो वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कर लें, लिंक आप स्क्रीन पर देख सकते हो। Alright then, thanks for watching the video, keep supporting the channel. Milte hain next video mein, till then love you, take care. Bye-bye. Bye-bye. Sade channel nu subscribe jaroor karo. Bell icon jaroor dabao. Bye-bye. Dada. Haan ji. Thank you. I love you, Meejaan. Bye.